बिहार की सियासत में जो कुछ हो रहा है उस पर पूरे देश की नजर है। सियासी गलियारों में नीतीश की राजनीति को लेकर सवाल गूंज रहे हैं। सवाल पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे से लेकर नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने को लेकर हैं। जहां एक तरफ ललन सिंह की तरफ से इस्तीफे को लेकर इनकार किया जाता रहा, दूसरी तरफ एनडीए में जाने को लेकर नीतीश कुमार की चुप्पी बनी रही, तो वहीं बिहार में सहयोगी तेजस्वी यादव की तरफ से ये भी कहा जाता रहा कि आरजेडी जेडीयू गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन सियासत में जिस चीज से इनकार किया जाता है उसकी संभावनाएं ज्यादा होती हैं। बुधवार को इसकी एक झलक भी देखने को मिली। दिल्ली में हुई बैठक के बाद वही खबर आई जिसे लेकर कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे। जेडीयू और ललन सिंह की तरफ से ऐसी संभावनाओं को खारिज करने के बावजूद बुधवार को राजधानी दिल्ली में आयोजित जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए खुद नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव आगे रखा। इस्तीफा देने से पहले ललन सिंह सीएम नीतीश कुमार के साथ एक गाड़ी में सवार होकर बैठक में पहुंचे थे। बैठक से पहले समर्थकों ने नीतीश कुमार के पक्ष में नारे लगाए। कार्यकर्ताओं को नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बने के नारे लगाते देखा गया। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने जेडीयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान उन्होंने पद से इस्तीफा दिया। इसके साथ ही तमाम अटकलों पर विराम भी लग गया। वहीं अब नीतीश कुमार के पार्टी अध्यक्ष बनने को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं, कहा जा रहा है कि इसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है, इंतजार है तो बस सिर्फ औपचारिक ऐलान का। पार्टी के संपूर्ण मुखिया अब नीतीश कुमार ही होंगे जो पार्टी के बड़े फैसले खुद करेंगे, जिसमें सीट शेयरिंग से लेकर उम्मीदवारों के चयन और लोकसभा चुनाव के लिए लिए जाने वाले बड़े फैसले शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द क्राउन न्यूज।